फ्रेंड्स, मैं हूं आरजे जिसनूर एंड वेलकम टू माय चैनल आरजे जिसनूर। सो ये चल रहा है हमारा मेहंदी लर्निंग कोर्स। सो कीप लर्निंग मेहंदी। बहुत ही सिंपल तरीके से इसमें मैंने मेहंदी सिखाई है, स्टेप बाय स्टेप, फ्रॉम बीइंग अ बिगिनर टू बीइंग अ प्रोफेशनल। हर वीडियो के अकॉर्डिंग यू जस्ट नीड टू लर्न। घर पे बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। ये छोटी सी वीडियो है, पर हर वीडियो को अगर आप एक्सटेंड करके प्रैक्टिस करेंगे, सो 1 to 2 hours डेली एंड 30 days यू विल बी अ प्रो ऑफ मेहंदी, दैट्स फॉर श्योर। सो बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिए, बहुत सारी मेहंदी सीखिए, लेकिन साथ ही साथ आप कोई भी वीडियो मिस ना करें, कोई भी मेहंदी का डिजाइन आपका मिस ना हो जाए, उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल बटन पे क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जैसे ही कोई वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड साथ ही साथ लाइक बनता है, बिकॉज आप अगर आपको अच्छा लग रहा है, सीखना पसंद आ रहा है, लाइक भी कर दीजिएगा। एंड कॉमेंट डाउन बिलो योर सजेशन और एनीथिंग यू वॉन्ट टू टॉक टू मी, आई एम हियर फॉर दैट। सो कीप वॉचिंग। सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम मेहंदी को अच्छे से घोल सकते हैं एंड कैसे एग्जैक्टली उसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए एंड एवरीथिंग आप इस वीडियो में देखेंगे। और लास्ट वीडियो में आप कोन बनाना सीख ही चुके हो, तो अब आपको पता है कि इसको आपको बना के कोन के अंदर फ्री कर लेना है। इस मेहंदी को आपको घोल बनाने से पहले छानना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे रेशे होते हैं। अगर आप उसको नहीं छानोगे तो वो आपके कोन के अंदर बार बार अटकेंगे। कई बार आपने देखा होगा कई कोन नहीं चलती हैं, तो उसका रीजन सिर्फ ये होता है कि मेहंदी छनी हुई नहीं होती और वो रेशे आके अटकना शुरू हो जाते हैं। तो आपको अच्छे से छानना है, थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन अच्छी क्वालिटी की मेहंदी के लिए आपको इतना सा मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं इसको सिंपल घोलने वाली हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मेहंदी है उसका कलर ज्यादा रेडिश आए, तो आप इसमें एक रतन जो पाउडर आता है वो ऐड कर सकते हैं। वो आपको किसी भी किराने के स्टोर पे मिल जाएगा। और अगर आप चाहते हो कि इसका कलर ज्यादा ब्लैकिश टोन में आए, तो आप इसमें हल्की सी कॉफी ऐड कर सकते हो, उससे भी इसमें आ जाता है। दूसरा, इसके अंदर आप पेट्रोल एंड डीजल जैसी चीजें, जो केरोसिन यूज होता है, एक ड्रॉप अगर वो डाल देते हो तो काफी डार्क कलर आ जाता है। बट आई नेवर प्रेफर इट, क्योंकि मेरे को वो बहुत रिस्की लगता है। सो आई प्रेफर रतनजोत और कॉफी, वट एवर अकॉर्डिंगली इज नीडेड। इसके अलावा कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, उसकी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि आप क्या क्या कर सकते हो मेहंदी को डार्क करने के लिए। सो अभी बातें कम करते हैं एंड आते हैं छानने पे। छानना कैसे है, आपको एक कटोरी लेनी है और एक कोई भी सूती मलमल का कपड़ा लेना। आप ये देख सकते हो, बिल्कुल प्योर सूती जो मलमल का कपड़ा है वो है ये। इसको इस तरीके से मैंने कवर कर लेना है छानने के लिए। एंड यूजुअली मैं क्या करती हूँ, इसको नीचे से ऐसे पकड़ लेती हूँ ताकि वो ऊपर बिल्कुल स्टिफ रहे। तो इसी तरीके से आई डू इट। एंड इसके ऊपर आपको डालनी है मेहंदी, ये सिंपल मेहंदी जो आती है हैंड्स वाली, डबल हाथी काफी फेमस ब्रांड है। तो इसका मैं 1 स्पून ये मेहंदी का ले रही हूँ। ऊपर आपको अपने अकॉर्डिंग जितने कोन बनाने हैं उसके अकॉर्डिंग डालनी है। अराउंड 1-1.5 स्पून इज मोर देन सफिशियंट फॉर अ कोन, इससे ज्यादा नहीं डलती है इसमें। और ये साथ में पानी ऑफ कोर्स चाहिए बाद में घोलने के लिए। सो अब मैंने इसको इसी तरीके से पकड़ना है और इसको टाइट कर लेना है, बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि ये गिरे। एंड उसके बाद में हम इसको छानना स्टार्ट करेंगे। सो ये मेहंदी मैंने इस तरीके से डाल ली है एंड इसको आपको धीरे धीरे इसके ऊपर इस तरह से चलाना स्टार्ट करना है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, मैं पहले ही बता रही हूँ, बिकॉज कपड़े के थ्रू हम छान रहे हैं, लेकिन आपको इसी तरह से कंटिन्यू छानते रहना है। कुछ भी आज सच नहीं करना है, बस ये ध्यान रखना है कि आप सभी लम्स को तोड़ के एंड इस तरीके से कपड़े के थ्रू उसको जाने दो। एंड ये विद इन 4-6 मिनट्स आपकी छन जाएगी। तो अभी मैं इसको जरा छानती हूँ और आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाती हूँ। सो ये आप देख सकते हो मेहंदी बिल्कुल छन गई। और आप इसको क्लोजली देखोगे तो उसमें बहुत सारे रेशे हैं। अगर आप बिना छाने ये डालते तो इतने सारे रेशे जाते तो ऑफकोर्स आपकी मेहंदी खराब ही होनी थी। सो इस तरीके से हमने इसको छान लेना है सबसे पहले। सो आप छानने के बाद देख सकते हो कितना प्योर इसका टेक्सचर आ गया है, ये बहुत जरूरी है। इसके बाद हम इसमें स्पून बाय स्पून वाटर ऐड करेंगे। वाटर नॉर्मल टैप वाटर ही चाहिए इसमें, आपको कोई स्पेशल नहीं है कि ठंडा या गर्म। बट मेक श्योर कि आप इसको स्पून बाय स्पून ही ऐड करो। एक साथ अगर ज्यादा ऐड कर दिया तो हो सकता है कि आपका बहुत ओवर हो जाए, मेहंदी बहुत ज्यादा पतली हो जाए। तो इस तरीके से मैंने ऐड की है
एंड उसके बाद ऑफ कोर्स आपको पता है कि आपको इस तरीके से घोलनी है कि मेहंदी में लम्स नहीं आने चाहिए। अभी आप देख सकते हो कि काफी थिक हो गया, इतनी थिक हमें मेहंदी नहीं चाहिए होती है। थोड़ा सा हम इसमें और वाटर ऐड करेंगे। ये आपको वाटर का जो है ये बिल्कुल आईबॉल करना पड़ेगा कि कितना चाहिए। तो पहले मैंने सारे जितना भी ड्राई मेहंदी पाउडर था उसको वेट बना लिया है। अब आप देख सकते हो कंसिस्टेंसी थोड़ी अभी गाढ़ी है, इतनी गाढ़ी कंसिस्टेंसी नहीं चाहिए होती है हमें मेहंदी की। सो इसके अंदर मैं थोड़ा सा वाटर ऐड करूंगी और अब इसको फिर से करूंगी ताकि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक हो जाए। और इसी तरह से आपको इसको कम से कम 1 to 1.5 मिनट मिक्स करना है, चाहे उसमें वो लम्स रहे हो या ना रहे हो। उससे क्या होता है वो प्रॉपरली जब फिट जाती है मेहंदी तो इजीली कोन में डल जाती है, इजीली बहुत स्मूथली कोन से बाहर आती है। दीज आर सम बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स जो बहुत जरूरी है जानना। तो ये मैंने अच्छे से छान ली है। इसका टेक्सचर कुछ ऐसा होना चाहिए, बिल्कुल फ्लोई नहीं होना चाहिए। फ्लोई होगा तो ऑफकोर्स आपकी मेहंदी नहीं लग पाएगी। सो इस तरह के टेक्सचर के बाद में आप इसको कोन में ऐड कर लोगे। कोन में आपको सिर्फ स्पून से डालना है और उसको ऊपर से पैक कर लेना है। सो अब अच्छे से मेहंदी काफी सारी घोल के रख लीजिए क्योंकि आपको करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस। सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।